बहुत अच्छा लग रहा है। अंकित और पल्लवी हमारे से हमारे बहुत क्लोज हैं, स्मार्ट जोड़ी में क्लोज हो गए थे एंड इनका मिस्ड म्यूजिक लॉन्च है। इट्स वेरी हैप्पी फॉर इट जेन्युइनली। वी आर वेटिंग टू मीट हिम। हम बस अंदर जाके उनको मिलना चाह रहे हैं। बहुत बहुत बधाई है पहली बात तो। बहुत अच्छा दोस्त है हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, पर्सनली बहुत अच्छे दोस्त है। काश हम लोग इसके साथ कोलैबोरेट कर पाते इस पर, लेकिन शायद अगली बार। बट यस, वी हैप्पी फॉर शिविन ऑल्सो। शिविन मेरा बहुत अच्छा, आई नो हिम वेरी वेल, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम ऑल्सो। जी जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक वी जस्ट विश ऑल द बेस्ट टू अंकित एंड मिस म्यूजिक एंड एवरीबडी इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट। बट इतना ज़्यादा फॉलो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जी हाँ ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे जितने भी गाने हैं, जितने भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी थैंक यू सो मच। अंकित तिवारी जी का म्यूजिक लेबल नया लॉन्च हो रहा है। रियली सुपर डुपर एक्साइटेड। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं भी उन्हीं के उनके गाने में नज़र आऊँगी। आई एम रियली हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड। उन्होंने कितने सारे आइकॉनिक गाने गाए हुए हैं। आई रियली लाइक हिज सॉन्ग, एंजॉय हिज सॉन्ग। ही हैज़ हिज डिफरेंट वॉइस। या आई एम वेरी हैप्पी। ऑफकोर्स एग्जैक्टली। और सी, फिल्म हो, सीरियल हो, टेलीविजन हो, विदाउट म्यूजिक इट्स इनकम्प्लीट, आई थिंक सो। एंड इट्स अ ग्रेट डिसीजन मेड बाय हिम। ओह माय गॉड। तो म्यूजिक बहुत ज़रूरी है, वो फिल्म्स हो या टेलीविजन हो उसके लिए। एंड अ पर्सन लाइक हिम, अ वॉइस लाइक हिम, इट्स लाइक अमेजिंग। आई एम वेरी हैप्पी कि उनका एक नया लेबल शुरू हो रहा है। रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सॉन्ग्स। अभी देखते हैं कैसे होता है आगे। ऑफकोर्स आई वुड लव टू डू। देखते हैं अभी आगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, मी एंड अंकित डिड अ शो टुगेदर, स्मार्ट जोड़ी, एंड सिंस देन वी हैव बीन वेरी गुड फ्रेंड्स। और मैं उसे आज सपोर्ट करने आया हूँ, और पल्लवी ने गाना भी गाया है, और गाने का नाम है नागिन वाला स्टेप, तो मुझे तो आना ही था। आई थिंक अंकित इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स इन आर कंट्री। बहुत ही सिंपल। माई फेवरेट, पता नहीं क्या बोल रहा था ये, बट ये मेरा दिल है, मेरा भाई है, एंड आई लव इट। मैं यही बोल रहा था कि इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स इन द कंट्री, एंड वाई नॉट। आई मीन ये खुद का म्यूजिक लेबल लाएगा तो पूरी जी जान डालेगा, एंड आई एंड ही सिंग सच सॉन्ग्स विद सो मच डेप्थ। एंड मुझे लगता है कि ये अंकित के लिए एक ऐसा चेंज होने वाला है जहाँ वो कई सारे ऐसे गाने गाएगा जो शायद उसके कंफर्ट जोन से बाहर है और जो वो गाना चाहता है। एंड ही इज सच अ वर्सेटाइल सिंगर, जो मैंने सुना है, हम कई बार बैठे हैं सेशंस के, तो आई एम श्योर कि लोगों को भी बहुत पसंद आने वाला है, एंड हिज म्यूजिक लेबल इज गोना रॉक। थैंक यू, फुल पावर। चलो, थैंक यू। जी हाँ, सबसे पहले मेरे ही गाना है सबसे पहले तो नागिन वाला स्टेप, तो बहुत अच्छा गाना है, बहुत ही ट्रेंडी है, एंड न्यू ईयर भी सामने आ रहा है, क्रिसमस पार्टीज होने वाली हैं, तो आई एम श्योर सारी पार्टीज़ में ये गाना बहुत धमाल करने वाला है। एंड नागिन वाला डांस तो हमारा एक फेवरेट होता है, किसी भी शादी हो या कोई भी इवेंट हो, एक नागिन वाला डांस ज़रूर होता ही है। सो आई गेस दिस सॉन्ग इज़ गोना रॉक।
इस गाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्ड म्यूजिक की बात करना चाहूँगा. इट्स अ न्यू लेबल एंड जो अंशु जी एंड मनीष जी ने स्टार्ट किया है. अंकित तिवारी इज ऑल्सो देयर. अंकित और मैंने पहले भी एक गाना किया हुआ है मुसाफिर साथ में. दिस इज आवर सेकंड सॉन्ग, सेकंड कोलैबोरेशन टुगेदर एंड इट्स अ न्यू लेबल. एक न्यू एनर्जी है, एक न्यू, आप देख सकते हैं चारों गाने नए लॉन्च हुए हैं. एंड फर्स्ट मैं अपने गाने की बात करूँगा, नागिन वाला स्टेप. सो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अच्छा हिट हो गाना और लोगों को बहुत पसंद आए. सो हमने अपनी ड्यूटी कर लिया, बाकी आपकी ड्यूटी है देखना. हाँ, नागिन वाला स्टेप भी है, अगर आपने गाना देखा होगा तो उसमें एक बीन भी है मेरे हाथ में. सो काफ़ी इंजॉय किया है. और जैसे मैंने बताया, हर इवेंट पे, खासकर जब आप सबके दो तीन हो जाते हैं, उसके बाद सभी नागिन डांस करना शुरू कर देते हैं. सो उसी के बेस पे है गाना, काफ़ी फन गाना है. एंड आई एम देयर एंड अवीरा इज देयर. तो अच्छी रिपोर्ट आ रही है अभी तक. तो अंकित ऑब्वियसली कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है. अंकित के सारे ही गाने बहुत हिट हैं और मैं पर्सनली भी उनके गाने का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. मैं और अंकित ने कुछ महीनों पहले एक और गाना किया था मुसाफिर, वो भी हमारा काफ़ी हिट हुआ था गाना. अब इस और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो मैंने अंकित को पार्टी नंबर्स गाते हुए सुना. एंड ये आई गेस दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट. एंड जो भी अंकित तिवारी फ़ैन है उन सबको अच्छा लगेगा गाना सुनना. लोगों को बोलना चाहूँगा, जिसने नहीं देखा है प्लीज़ गाना देखिए, नागिन वाला स्टेप मेरा जाके. इट्स ऑन यूट्यूब ऑन मिस्ड म्यूजिक. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. जी भाई, टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता है. और अभी वो एक नया वर्टिकल शुरू कर रहे हैं, अपना म्यूज़िक लेबल शुरू कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही प्यार से और बहुत ही एक पैशन से काम लेंगे. और मुझे लगता है कि और बहुत सारे सुपरहिट सॉन्ग्स अंकित से सुनना बाकी है, तो हम उनको बधाई देना चाहेंगे और ये कहना चाहेंगे कि ऐसे ही अपने संगीत के साथ और अपने पैशन के साथ बढ़ते जाओ और खूब प्यार पाओ आवाम से. तो बस यही कह सकता हूँ. आप मैं सुन नहीं सकता भाई, वो मेरा जूनियर है. मैं उनके गाने काफ़ी सुन चुका हूँ और बहुत, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. बहुत ही सुपर वॉइस और बहुत ही एक अच्छी एक आवाज़ है. तो मैं यही चाहता हूँ कि वो जोश से काम ले और सुपर हिट गाने सबके लिए बनाए. आप भी एंजॉय करें, हम भी एंजॉय करें. जाहिद भाई, जाहिद खान क्या कर रहे हैं इस समय निजी जिंदगी में और क्या कुछ कर रहे हैं? आपको पता लगेगा फरवरी मार्च. तो थैंक यू वेरी मच. हेलो, मनीष, अंशु, थैंक यू सो मच. सॉरी आई कांट सी यू ऑल फ्रॉम लाइक इतनी जोर से लाइट है, बट थैंक यू. मैं बहुत खुश हूँ अंकित के लिए. अंकित वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर तो है ही हैं, बट अभी रिसेंटली मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए हैं. और बहुत खुशी होती है आपको जब आपका कोई दोस्त एक इंडस्ट्री में इस मुकाम पे पहुंचते हैं. बहुत टैलेंटेड तो है ही एज ए सिंगर, बट आज इनकी खुद की एक अपनी कंपनी है जहां पर ये बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोस बनाएंगे और बहुत सारा लोगों को एंटरटेन करेंगे. तो मैं बहुत खुश हूँ इनके लिए. स्पेशली आप जानते हैं मैं बहुत ज़्यादा पार्टीज में जाती नहीं हूँ, बट इनके लिए मुझे आना ही था. सो मैंने बुला लिया, मैंने कहा आ जाओ, बाकी एक्सक्यूजेस बाद में. अंकित बताएगा इस बात के बारे में. एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, आज जब मेरी शमा से बात हो रही थी तो इस टॉपिक पे बात की हमने ऑलरेडी. इस टॉपिक पे बात की हम लोगों ने कि ऐसा ऐसा है और शमा कितने बजे आ रही है, वो क्या टाइमिंग है तुम्हारी, वो सब बातें कर रहे थे. फिर अचानक से बात छिड़ी कि यार हम लोग को साथ में करना चाहिए ना, अच्छा गाना करना चाहिए और यू नो विल प्लान, वी शुड मीट फर्स्ट एंड विल प्लान वेरी इंटरेस्टिंग. तो आपने
क्या बोलते हैं उसको, सोच हम रहे थे, आपने और पुश कर दिया उसको बहुत जल्दी शायद ऐसा हो जाए. थैंक यू फॉर आस्किंग दैट. शमा है सुहाना समय समय नशे में जहां है नशा नशा हो गया तुम्हें मतलब. ठीक है जी जी. गाना बनाने की बात आई थिंक शमा दादा मैं यार अब भी आता हूँ. आई थिंक शमा के साथ अगर मुझे अगर नहीं मतलब जब भी मैं करूँगा तो इनकी चॉइस मुझे नहीं पता है ये क्या सोच रही हैं. मैं सोचूंगा कि कुछ अच्छा रोमांटिक गाना हो और मीनिंगफुल गाना हो थॉटफुल गाना हो तो वो इनके साथ किया जाए तो उसमें आई थिंक अंकित इम्पैक्ट आएगा उसमें ज़्यादा सबको अच्छा लगेगा इनके फैंस को बहुत अच्छा लगेगा. आई थिंक ये इतने अच्छे इमोशनल सिंगर हैं लाइक आपका वो गाना सुन रहा है ना तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है. आज भी जब उसका पहला सुर छिड़ता है तो मतलब यहाँ तक महसूस होता है. तो वैसा कोई गाना अगर वो करेंगे तो मैं डेफिनेटली मतलब अभी तो टारगेट रख दिया बेंचमार्क सेट कर दिया. मुझे नहीं पता वो कैसा होगा. अच्छा ही होगा यार तुम बनाओगे तो अच्छा होगा. ऑफ कोर्स दिल से ही बनाएगा. सो ऐसी बात जो दिल से बनती है वो फिर लोगों के दिलों तक जाती है. थैंक यू फॉर ऑल दीज लवली कॉम्प्लीमेंट्स बाय द वे. थैंक यू. थैंक यू गाइस. हाय हाउ आर यू सेइंग. किधर यहाँ. अच्छा आई नो अभी मैं बस अंदर ही. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे आता है और बहुत कंफर्ट जोन है मेरा ये हमेशा यही करते आया हूँ. तो एक ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरा पड़ाव है और इट्स ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट यू नो किसी भी आई थिंक किसी भी म्यूजिशियन आर्टिस्ट का ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है ऐसा. ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और वेरी एक्साइटेड. इंडस्ट्री का तो नहीं पता लेकिन हाँ कोशिश ये रहेगी कि अच्छा म्यूजिक आप तक आप सब तक पहुंचा सके और यही कोशिश है. इतना चैलेंजिंग रहा जो मैं बात करता हूँ इतने इतने सारे लोगों को एक साथ लेके आना अलग अलग सिंगल इंडिविजुअल्स वीडियो भी शूट करना इतना चैलेंजिंग रहा ये सब कुछ करना. बहुत मतलब आपको मैं बता दूं कि हम लोग ये जितना आप देख रहे हैं अभी इसकी तैयारी हम लोग मार्च से कर रहे हैं और मार्च से यू नो चलता जा रहा है गाने. अभी तो हम लोगों ने 4 गाने रिलीज़ किए हैं. हम लोग 6 महीने तक रेडी हैं. 6 महीने तक हम लोग कंटेंट रेडी मतलब ऑलरेडी शूट कर चुके हैं सब कुछ रेडी है. तो इसमें काफ़ी कुछ यही था कि यार यहाँ पे सिर्फ ऐसा जॉब नहीं था कि सिर्फ मुझे गाने बनाने हैं. बहुत कुछ देखना था एक ही वक्त पे एक ही टाइम पे. तो उसी में बिजी था यार काम करता जा रहा था और घबरा भी रहा था क्योंकि यू नो प्रोडक्शन पे आना
एज ए प्रोड्यूसर आना वो एक एक नई बात थी, बट ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम लोग ने किया। मुझे ऐसा लगता है, देखिए गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन गलती कर करके ही आदमी सीखता है, और मेरा लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा रहा इस दौरान पे, काफ़ी कुछ सीखा मैंने। लेबल का नाम मिले पर, मिस्ट म्यूजिक, ये किसका सुझाव था कि ये नाम ये रखना है और ये लेबल देना है? ये सुझाव एक्चुअली जो मेरे साथ है, ये सुझाव उनका था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मिस्ड मतलब क्या रीज़न है, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे गाने ही जब सुनते तो वो मिस्ड फील आता है, तो मिस्ड म्यूजिक रखते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपके गाने सुनते ही मिश्री तुम हर गाने के कहीं ना कहीं नजर आते हैं आप, मैं देख रहा हूँ कहीं पे भी नहीं आप, क्या वजह रही कि आप खुद नजर नहीं आए कवर पे, कहीं पे भी मैं नहीं देख रहा हूँ? हाँ, आई थिंक नज़र इसमें ऑफकोर्स मैं नहीं आया हूँ, ये जॉनर भी अलग है, आप अगर देखें तो ये पार्टी सॉन्ग है सब, ये डिसीजन मिला जुला डिसीजन था कि मुझे कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है, तो आई थिंक इसमें मैं ही नहीं गया, मुझे लगा यार बाद में आऊँगा, थोड़ा मैं अपने आप को और पतला वतला कर लूँ, कोशिश जारी है, उसके बाद मैं आऊँगा। फिटनेस पे ध्यान तो है, ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन मैं पिछले 2 महीने से बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ, तो चीज़ें यू नो बहुत चीज़ें हाथ में नहीं है, बट दिसंबर ख़त्म होते होते थोड़ी ट्रैवलिंग कम होगी, मैं और मैं मुंबई में रहूँगा, फिटनेस पे ध्यान है और ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि अगर मैं कर ही रहा हूँ तो मैं और जितना खूबसूरत कर सकता हूँ, जितना और डेडिकेशन के साथ कर सकता हूँ, मैं वैसा क्यों ना करूँ, तो अभी वो हो गया, मतलब जो किया था वो हो गया, अभी मैं और यू नो चीज़ों का और अच्छे से ख्याल रखूँगा। सर एक सेकंड, ये जो आपने सवाल पूछा था ना इनसे, एक सवाल ये जो देखिए आप सवाल, थैंक यू, आई थिंक इट्स ह्यूज, आई मीन इट्स ऑलवेज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क, एंड दिस सॉन्ग पर्टिकुलरली वो सो मच फन टू डू, हमने शूट एक दिन में किया था इन चंडीगढ़, एंड एवरी वन ऑन सेट एक्चुअली हैड फन, सो इट वॉजन लाइक वर्क वर्क वर्क, वी वर एक्चुअली हैविंग फन, एंड द सॉन्ग इज सो लाइक पेपी, एंड इट्स सो लूप पे सुन सकते हो, इट वॉज अ फन एक्सपीरियंस। Oh, definitely. But I mean, we have all huge names. Ankit Tiwari is a huge name, so it's not like a start. But Mint Music is going to do amazingly well. So I'm hoping the best for them. What's the most challenging part while working on? Sorry. I think the most challenging part for me was that I was shooting ek din pehle also for another music video with them. So I flew down the same day in the morning, then shot the entire day, and then took a flight and came back. और मैं इतने हेक्टिक उसमें थी ऐसे भाग दौड़ में, बट आई डेंट फील इट फॉर इवन अ सेकेंड कि ओ शिट बहुत प्रेशर है काम का, बट दे मेड मी फील रियली रिलैक्स, एंड लाइक द होल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू वाज द बेस्ट। थैंक यू।
तंके अच्छा म्यूजिक के लिए तो आई एम ऑलवेज देयर एंड आई हैव कम फॉर अ फ्रेंड तो टू विश हिम द बेस्ट एंड एक अच्छा इनिशिएटिव है तो आई जस्ट होप कि सक्सीड्स इन इट एंड वी विल बी डूइंग समथिंग वेरी वेरी शॉर्टली विच विल बी अगेन समथिंग विच विल बी पाथ ब्रेकिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड सो एंड आई नो ही इज अ वेरी पैशनेट मेकर सो Let's hope something nice comes out of it and काफ़ी अच्छा initiative है to launch a music label. So I'm here to wish him the best. बधाई देना चाहता हूँ मनीष भाई को और मिस म्यूजिक की पूरी टीम को अंकित को और अच्छे अच्छे गाने ले आए हम लोग सुनना चाहते हैं अच्छे अच्छे गाने बिल्कुल अच्छे अच्छे गाने तारीफ सिर्फ तारीफ करनी है मैं अंकित को ही पकड़ लेता हूँ क्या अलग कर रहा है आप लोग कितना ये चीज जुदा कर दी है सी एज अ सिंगर ही इज फैंटास्टिक एवरी नो अबाउट इट बिल्कुल आवाज ही अलग है हां एज ए ह्यूमन बीइंग क्या अलग इंसान मतलब आपको क्या लग रहा है मुझसे क्यों सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं ही इज वंडरफुल पर्सन थैंक्स यार थैंक यू अब मुझे लगता है जो चीज़ जब शुरू हो वही सही है तो ये आज का दिन और ये घड़ी ये शुभ है ये मान के यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सुनने को मिलेगा अच्छा अच्छा है ना 100% यार 100% सुनने को मिलेगा I had to come here, you know, it was like definitely, you can see the poster, missed, me, so I had to be here. आप लोगों ने गाना सुना है नहीं सुना है सब तक? नहीं, हम लोग गाना नहीं सुन रहे हैं. अरे यार, अभी तक बजाया नहीं आपने गाना यहाँ पे. गाना बजवाना चाहिए था यार. कैसा एक्सपीरियंस रहा टेल अस? सी, गाना बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा डांस वाला है एंड मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना था डेफिनेटली मुझे अच्छा लगा. पंजाबी टच था, एक कमर्शियल टच था, सो इट वॉज फन टू एक्चुअली शूट विद प्रिंस एंड प्रिंस के साथ में मैंने शूट किया था एंड ऑफकोर्स इशिता. सो ओवरऑल आप लोगों को कैसा लगा आप बताइए. आप लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा बट मुझे तो पसंद आया डेफिनेटली. हाँ जी हाँ जी. सी, अंकित तिवारी इज़ ऑलरेडी अ बिग नेम, इज़ अ ह्यूज नेम एनी व्हिच वे इन द मार्केट एंड सभी उनके इतने फैंस हैं और उन्होंने अब म्यूज़िक लेबल किया है तो आई थिंक बनता है उनका बिकॉज म्यूज़िक इंडस्ट्री में उन्होंने इतना अच्छा करा है फिर म्यूज़िक का एक लेबल लेके आए हैं तो आई एम श्योर जैसे सिंगिंग में झंडे गाड़े वैसे यहाँ भी झंडे गाड़ेंगे. आपके लिए क्या चैलेंजिंग था? मेरे लिए क्या चैलेंजिंग था? आई थिंक मैं डांस में अच्छा हूँ तो मुझे इतना चैलेंजिंग लगा नहीं क्योंकि डांस मुझे आता है और डांसिंग सॉन्ग था सो इतना चैलेंजिंग नहीं था मेरे लिए. थैंक यू गाइस. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. सबसे पहला सवाल मेरे जहन में आता है जब मैं आपका नाम लेता हूँ
आपके पति देव को देखता हूँ, बड़े सपोर्टिव हैं, कहीं कोने पे खड़े हैं. एग्जैक्टली. टेल अस, ये पहल कैसे हुआ, ये पूरी जर्नी शुरुआत कैसे हुई, और खास करके संगीत से जुड़ना, एक लेबल लेके आना, ये अपने आप दैट टू विद अंकित तिवारी, ये बहुत बड़ी बात है यार इस फील्ड में उतरना. टेल अस, आप दोनों से जानना चाहूँगा, मनीष ने मुझे इंस्पायर किया. नहीं, एक्चुअली आप हमेशा ना लाइफ में उसी चीज़ पे खेलते हैं जो आपकी एसेट हो. अंकित भाई हमेशा से मेरे लिए भाई जैसे हैं, और वो मेरे लिए हमेशा पर्सनल लेवल पे भी एक एसेट रहे हैं, तो उसी एसेट के ऊपर खेलना था. तो जब कुछ प्रोफेशनली कुछ नया करने का मन था तो अंकित भाई हमेशा साथ खड़े थे. हम लोग कुछ मूवीज़ भी साथ में कर रहे हैं, और उसके बाद जब आगे बढ़े तो हम लोगों ने फिर एक म्यूज़िक चैनल का सोचा. और मैं बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ कि इस पूरे वेंचर को लेके जो सपोर्ट अंकित भाई का रहा है ना, तो क्रेडिट्स बिना सब अंकित भाई को जाते हैं. हम लोगों को इंस्पायर किया एक्चुअली अंकित भाई ने, अंकित भाई के म्यूज़िक ने, कि हाँ बहुत कुछ है जो किया जा सकता है और जिसको इंजॉय हम बचपन से करते आए हैं. जब हम लोगों की शादी हुए कुछ ही साल हुए थे, तब से अंकित भाई के गाने सुनते हैं. तो अब अंकित भाई के साथ काम करने का मौका मिल रहा था तो छोड़ना पसंद नहीं किया, इसीलिए समझ लीजिए कि मिस म्यूजिक खड़ा. अंकित जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी कितनी यादें ताज़ा होती हैं, सर ने कहा कि भाई शादी हुई थी और आज आप उनके साथ हैं, वन ऑफ द पार्टनर, वन ऑफ द प्रोड्यूसर, गौरव की बात है, बोलिए, टेक योर टाइम. एक्चुअली मनीष थोड़े रोमांटिक टाइप हैं, तो म्यूजिक और ये सब इनकी चॉइस है, और अंकित भैया का सपोर्ट मिला हम लोगों को, और बस चीज़ें होती चली गई, ऊपर वाले की इच्छा थी और सब चीज़ें इजीली होती चली गई. एक्चुअली क्या कहना चाहेंगे आप दोनों ऑडियंस से, जो ऑडियंस है सबको, क्योंकि सब कुछ आउट है, ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों? देखिए, ऑडियंस को मैं कोई मैसेज दूँ इसका कोई मतलब ही नहीं, बस एक रिक्वेस्ट है, जितना प्यार आपने अंकित भाई को, म्यूज़िक को, रोमांटिक गानों को, इस हिंदी के प्यार भरे म्यूज़िक को दिया है ना, उतना ही कंटिन्यू रखिएगा, बस इतना काफ़ी है. क्योंकि इसके बाद मेरा प्रॉमिस है ऑन बिहाफ ऑफ मिस म्यूज़िक कि जो हमारी डिलीवरी होगी ना वो इतनी शानदार ज़रूर होगी कि आप लोग इन्जॉय कर पाएँ. बस इतना प्यार जितना प्यार आज तक बनाए रखा है उतना ही प्यार आगे बनाए रखिएगा, म्यूज़िक पे भी, अंकित पे भी, और बाकी सब चीज़ों पे. डिलीवरी की गारंटी हमारी है कि आप हर एक गाने के साथ, हर एक नए ऑडियो के साथ, हर एक नए वीडियो के साथ मजबूर हो जाएंगे उसी चीज़ को 10 बार, 20 बार, 50 बार सुनने के लिए. थैंक यू, थैंक यू. हम लोगों ने सुन रहा ना तू किया था, फिर हमने गलियां किया, फिर अंकित का पहला सिंगल किया मैंने बदतमीज साथ में, दूसरा सिंगल किया तुम और दफाओ. तो जब इस बार फ़ोन आया अंकित ने बोला अपना चैनल खोल रहा हूँ मैं, तो अभी हमारा टीज़र आएगा. मैं कहा टेंशन बोलो, सबसे बड़ा गाना देंगे हम आपको. तो उनका गाना है ए दिल, जो डायरेक्ट किया है मैंने इस बार वापस. एंड उसके बीच में एक और गाना किया हमने जानिया नाम से, जो कि सुपर हिट हुआ है अभी. एंड अभी मैं यहाँ से जाते ही अंकित को पूछने वाला हूँ मेरी फिल्म के लिए गाने के लिए भी. संजय दत्त के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ, तो ऐसा है, लंबा रिलेशनशिप है. आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक स्टार्ट है, क्योंकि अंकित जितना अच्छे तरीके से म्यूज़िक को जानता है, जितने बड़े बड़े गाने उसने साल भर साल दिए हैं, ऐसा नहीं कि एक दो हैं, पूरी की पूरी लिस्ट है. स्पॉटिफाई वगैरह पे आप देखो तो अंकित तिवारी से बेटर बंदा है नहीं म्यूज़िक लेबल खोलने के लिए, बिकॉज उसको सिर्फ एक टाइप के गाने नहीं आते, वो दे दी भी बनाता है, सुन रहा है ना तो भी बनाता है. सो दैट्स द थिंग. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट मूव टू ओपन अ म्यूज़िक चैनल. यार ए दिल एक इंटेंस रोमांटिक एक्शन सॉन्ग है, तो उस वीडियो में आपको अंकित तिवारी एक्शन करते हुए मिलेंगे, और मतलब के 5-6 लोगों को पीटते हुए मिलेंगे, प्लस एम्स्टरडैम किस्म की एक शूटिंग हम लोगों ने करी है. पूजा चोपड़ा भी है गाने में जिन्होंने बहुत सा परफॉर्म किया है. सो एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत प्यारा गाना है. तो आई थिंक आई होप लोगों को पसंद आया और सुपर हिट हो. थैंक यू. Thank you. Tell us, though you all of you know, it's all about music. Tell us your situation here with Anil. So I'm very happy to see this 4 songs coming together. So looking forward for it, and I want to wish them all the very best, and may their song also go hit, and they do success. Thank you.